अभी गुरु माँ कल बता रही थी कि वो जाती है जो ओल्ड होम है उनको पैम्पर करने के लिए, क्योंकि घर वालों ने छोड़ दिया, उनके मन में भी होता है कोई प्यार करे, कोई अच्छा अच्छा खाना खिलाए, दाल रोटी तो सबको मिल जाती है ओल्ड होम में। वो जाती है और बीच बीच में हमारे साधक भी जाते हैं। तो एक ओल्ड होम में गई तो वहाँ कोई सज्जन आए अपनी असहाय माता को, जिसको कम दिखता है, अच्छे संपन्न होंगे, एक नौकर भी 18,000 की साथ में छोड़ के गए। उन्होंने कहा हमारे पास तो जगह फुल है। उन्होंने कहा नहीं, हम बाबा जी के वो हैं, हमारा नाम ले दिया, शिव योग के हैं, हम शिव योगी हैं। अब शिव योगी कहा तो उन्होंने वेलकम, तो उन्होंने कहा जी आपका कोई शिव योगी आया था, नाम पता कुछ नहीं दिया, उसको छोड़ गया वहां कि जी इनको रखो, और एक कमरा दिलवा दिया, संपन्न है, थोड़ा पैसे का इस्तेमाल। अरे पैसे से अगर माँ बाप की देख रेख होती तो माँ बाप भी बैंक में जाके तुमको खरीद के लाते, वो 9 महीना पेट में थोड़ी रखती तुमको। शरीर, इमोशन, मन, लव, उसके बाद तुम उत्पन्न हुए हो, वही तुमको वापिस चुकाना है। मातृ पितृ ऋण मुक्ति, जो मातृ पितृ ऋण मुक्ति नहीं प्राप्त करता वो भाग्यहीन हो जाता है। और ऋण मुक्ति कैसे होगी? पैसे से नहीं होगी, वही इमोशंस, वही लव जो माँ बाप ने तुमको दिया है, यू विल हैव टू रिपे बैक दैट, वो तुमको देना होगा वापिस। शिव योगी सच्चा वही है जो एक्सचेंज ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, परिवार के सभी लोगों को प्यार करे, और जो ज्यादा असहाय हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, गिव देम अ लॉट ऑफ लव। मैं फिर बोलता हूं, वो बहुत भाग्यशाली उस घर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्थायी वास होता है, जहां प्रेम पूर्वक परिवार रहता है और तीनों पीढ़ियां उस घर की एक छत के नीचे वास करती है। तो आप कृपा करके लर्न टू गिव लव एंड लर्न टू रिसीव लव, गिव लव एंड रिसीव लव, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। गिव हेट, देन यू आर इनवोकिंग द डेविल, नॉट द गॉड।